सबसे मजे में तो निर्मल बाबा रहे, लाल हरी चटनी खिलाकर, कभी कृपा अटकाकर, कभी कृपा बरसाकर लोगों को जमकर बेवकूफ बनाया, दसवंत के नाम से जमकर माल बटोरा, टिकट बेचे तो बकायदा मनोरंजन कर चुकाया, शानदार कुर्सी पर झकाझक कुर्ता पायजामा मोजे पहनकर राजाओं के जैसे दरबार सजाया, माल अंटी किया और मौज काट रहे हैं। बस निर्मल बाबा ने एक काम नहीं किया, कभी सनातन धर्म की बात नहीं की, कभी किसी विधर्मी की घर वापसी नहीं कराई, कभी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए नहीं कहा, कभी हिंदुओं को जात पात से उठकर केवल हिंदू बनने को नहीं कहा। इसीलिए किसी दो कौड़ी के श्याम मानव की नजरों में नहीं चढ़े और मौज में है। बाकी कोई पादरी खुलेआम करंट लगाकर, पानी में डुबकी लगवाकर, कोई मौलवी झाड़ फूंक करके आसमानी आयतें पढ़कर भूत प्रेत भगा दे, कोई बाबा बंगाली प्रेम शादी वसीकरण के पर्चे शहर में ट्रेनों में बसों में चिपका दे तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक ओजस्वी दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत, जिसे सुनने को लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जिसकी बातें समाज में सनातनी लोगों में प्रभाव डाल रही हैं, जो लव जिहाद से हिंदू बच्चियों महिलाओं को बचने बचाने की बात कर रहा है, वह कैसे इन सनातन विरोधियों की नीच दृष्टि से बच सकता था। लेकिन ये सूकर नहीं जानते कि जिसके साथ साक्षात हनुमान हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद समर्थन में आ जाते हैं। बागेश्वर धाम तो बहाना है, असल में उन्हें हिंदुत्व को मिटाना है। सेकुलरवाद क्या है? दूध बहने पर लेक्चर देना और खून बहने पर मुबारकबाद देना ही असली सेकुलरवाद है। देखते रहिए धर्म की आवाज़, धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।